बैंक, आईटी और मेटल समेत कई सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। इससे शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 224 अंक उछलकर 61,134 पर पहुंचा। साथ ही निफ्टी 69 अंक पहुंचकर 18,191 पर बंद हुआ। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के संस्थापक वेणुगोपाल धुत को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने आदेश दिया, अब ये सभी 10 जनवरी तक जेल में रहेंगे। सीबीआई ने लोन धोखाधड़ी के मामले में इन्हें गिरफ्तार किया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के दूसरे बेटे अनंत की शादी तय हो गई। अनंत का रोका राधिका मर्चेंट के साथ हुआ। इसके लिए राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में पूरे रीति रिवाज से रस्में निभाई गयी। भारत सरकार ने उस कंपनी के सिरप पर जांच के आदेश दे दिए जिसे पीने की वजह से उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों के मरने का दावा किया गया। इस कंपनी की लैब यूपी के नोएडा में है, जहां से कुछ सैंपल जुटाए गए। कहा जा रहा है कि इस कंपनी का भारत में कारोबार नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक ने एफडी और आरडी पर मिलने वाले ब्याज में फिर इजाफा कर दिया। बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी में ये बदलाव किया। अब आम नागरिक को 7.19% तक और वरिष्ठ नागरिकों को 7.71% तक ब्याज मिलेगा।